डिप्टी सीएम का फैसला तो ये सब बैठकर करेंगे लोग। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उठा पटक होना शुरू हो चुका है। ये मत समझिएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कोई और होने जा रहा है, जी नहीं, नीतीश कुमार ही इस बार भी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस तरह के एनडीए के बैठक के बाद जो फैसला निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक नीतीश कुमार एक बार फिर से कल 4:30 बजे सातवीं बार मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो अब तक ये बरकरार है कि आखिर बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन होगा। जी हाँ, सुबह से ही आपने कई प्रकार की खबरें देखी, कई प्रकार की अटकलों का बाजार गर्म रहा और कायास लगाया जा रहा था कि एनडीए की जो बड़ी बैठक है वो होने के बाद कोई तस्वीर निकलकर साफ होगी उप मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। लेकिन अभी तक सस्पेंस बरकरार है। राजनाथ सिंह, आपको पता है कि पटना आए, पटना में उन्होंने बैठक की और बैठक के माध्यम से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई, जिसमें यह भी तय हो गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। उससे पहले कई सारी अटकलों का बाजार नीतीश कुमार को लेकर भी गर्म था, लेकिन यह अब तय हो गया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल। और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए जब पत्रकारों ने राजनाथ सिंह को पकड़ा तो राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। फैसला हुआ कि एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और उपनेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं और नीतीश जी के साथ सारे सभी लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मिले हैं और उसके बाद महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। बिहार का मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को लेकर सर, डिप्टी सीएम का फैसला तो ये सब बैठकर करेंगे लोग। उचित समय पर आपको जानकारी हो जाए। तो सुना आपने, राजनाथ सिंह ने सब कुछ कहा, सारी बातें कही है, लेकिन जब पत्रकारों के द्वारा ये सवाल पूछा गया कि आखिर बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, क्योंकि लगातार उप मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सबसे पहले सुशील कुमार मोदी की बात आ रही थी और कहा जा रहा था कि हो ना हो एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी ही नीतीश कुमार का साथ इस बार भी देने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। आगे क्या कुछ होता है यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सियासत का ऊंट कहां किशोर करवट लेगा यह भी कहना मुश्किल है। बहरहाल, राजनाथ सिंह के बयान से यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। लगातार सस्पेंस बरकरार है, लगातार सवाल किए जा रहे हैं, लगातार अटकलें निकाली जा रही हैं कि आखिर उप मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अब तक कोई उजागर क्यों नहीं किया गया है नाम को। लेकिन राजनाथ सिंह ने भी कहा कि उप मुख्यमंत्री का जो फैसला होगा, नाम का जो फैसला होगा, वो मिल बैठ कर करेंगे। एनडीए की इस बैठक के बाद एक बार फिर से मिल बैठ कर बात करने की बात राजनाथ सिंह कर रहे हैं। मतलब साफ है कि उप मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी बिहार की सियासत में सस्पेंस बरकरार है, एनडीए खेमे में सस्पेंस बरकरार है और लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं की मीटिंग अंदर खाने चल रही है। जो भीतर खाने से खबरें निकलकर सामने आ रही है वो भी कुछ और कह रही है, लेकिन फिलहाल जो ऊपर की खबरें हैं वो ये बताती हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के नाम पर अब तक कोई नहीं लग पाई है। देखता होगा क्या हो सकता है, कौन हो सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री, सुशील कुमार मोदी होंगे या फिर कोई और होगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हर पल के अपडेट के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।